अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से। उम्मीद करती कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं घड़ी में 8 और मैंने अभी किए मेरे व्लॉगिंग स्टार्ट, क्योंकि सुबह से ना थोड़ा सा बिजी थी, थोड़ा शेड्यूल चालू था और मेरे को ज़्यादा करो ना शाम के बाद ही टाइम मिलता है। तो आज है ना मैंने मेरा बताई थी ना आपको कि मेरे 2 पार्सल आने वाले हैं, मैंने 2 चीज़ें और ऑर्डर की थी, तो आज ही वो आ गया। एक सुबह में 2 बजे आया और एक अभी शाम को 7 बजे आया। तो मैं सोची चलो आपको बताती, तो जो सुबह में आया था वो अजय ने ना ओपन कर दिया था, तो उसको देखना था, लेकिन दूसरा वाला अभी तक ओपन नहीं किया, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ओपन करके कि क्या मैंने ऑर्डर किया था। और अभी मैंने सारा सामान मेरा हो गया है कंप्लीट, तो अभी मैं फाइनली आपको मेरे किचन का मेकओवर का टूर इंशाल्लाह ये हफ्ते में ज़रूर दे दूंगी। बहुत दिन से बोल रही हूँ, बहुत दिन से ये देखो सारा सामान देखो मेरा ला कर पड़ा है, लेकिन बस अभी मुझे उसको सब, मैं ये 2 ही पार्सल का वेट कर रही थी, तो आज ये आ गए हैं। तो फाइनली अभी पूरा मेकओवर का वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा। तो चलो पहले मैं कुकिंग करने वाली हूँ, कुकिंग के पहले जो है ना मैं आपको ये ओपन करके बताती हूँ। मैंने ना पहले ओपन कर दिया था, उसको देखना था उसमें क्या है। तो ये वाला है ना ऑयल का बॉटल है, ऑयल बॉटल है, और मुझे इतना पसंद आया ना ये बॉटल कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि ये पूरा स्टील का है, बस इतना ही इसका जो है ना प्लास्टिक है, बाकी ये पूरा स्टील का, और उसमें पूरा 1 लीटर का जो, हाँ इसमें पूरा 1 लीटर का एक पूरा बैग बैठेगा, सॉरी एक पूरी जो है ना स्टील की एक पूरी थैली, क्या बोल रही हूँ मैं, इसमें ना पूरी 1 लीटर की पूरी जो है ना ऑयल की जो थैली होती है ना वो पूरी बैठेगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सिर्फ थोड़ा ना हाइट के हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन मुझे कांच का और प्लास्टिक का नहीं लेना था, क्योंकि कांच का बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, उसको वॉश करते रहेंगे, ये बहुत अच्छे से वॉश भी होगा। ये जो हिस्सा है ना ये पूरा खुलता है, और ये वाला पूरा अपना सेपरेट होता है, ये जो प्लास्टिक वाला ना ये यहाँ, ये जो यहाँ से ना पूरा सेपरेट होगा, तो मैं बहुत अच्छे से इसको वॉश कर सकती हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मतलब वॉश भी होगा और लाइफ भी इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। ये आई थिंक सो मुझे ऑफर में ना 180 का कुछ मिला है ये। और नेक्स्ट है ये वाला, तो ये अभी अध्ययन को ओपन करना है, अच्छे से करना बेटा, नहीं तो तेरा हाथ को लग जाएगा। आएगा ना बच्चा? मैं तो बहुत मजा आता है ये पैकिंग ओपन करने में। हाँ, मैं उतना कट करके मैं देती हूँ, वेट 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 मैं करके देती हूँ। हाँ। यहाँ पर उसको ना भी कट करके दियो, क्योंकि उससे नहीं हो रहा था कट। अभी चलो जल्दी से बताओ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? वो तो निकाल दे, देख जरूरत भी नहीं पड़ी ना कैची की, क्या है बता। ओह माय गॉड, खींचो खींचो खींचो, तो बॉक्स किस में, ये किस थी जो लगा के वाओ, अच्छा आया यार। कितने पीस है? कितने पीस है? 1, 2, 3 and 4। आमे टू देखने, ओ इतना टाइट है। ये जो है ना बेटा वेजिटेबल्स रखने के लिए है। भाई 4 पीस है भाई। लाओ भी, चलो चलो आपको जाना है अरबी के लिए। तो ये है ना वेजिटेबल्स के जो है ना बॉक्सेस है, तो ये है ना 4 आए है, और उसके ये 4 इसके लीड आए। अच्छा ठीक है, और मैं ये आपको बताती 2 मिनट में, इसको पहले भेजती हूँ मैं अरबी के लिए। टोपी भी ले ले, पेंसिल, एक पेंसिल उसी में रखना था, जो नवी पेंसिल बड़ी, नवी नहीं न्यू वाली, अभी स्कूल में चाहिए रहेगी ना, दूसरी वाली ले ले, जल्दी से जा बैग में से ले ले एक पेंसिल और जा, ठीक जो करना है कर, जा गिराना नहीं। अल्लाह हाफिज, सुनो ना, बोलो आप आने के बाद लेने आओगे? क्यों, तू अकेला आ सकता ना, मेरे को क्यों बुला रहा है? शूज इधर कर, ठीक है चल, शूज इधर पे लौट मेरा, चलो अल्लाह हाफिज। उस पे नहीं, इधर मेरे हाथ में दे दे, तो शू रह गए ना। हाँ। अल्लाह हाफिज, फोन कर मुझे या तो मैसेज डाल। हाँ मैडम मिलेगी ना तो मुझे मैसेज या तो फोन कर दे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।
तो फ्रेंड्स अध्ययन को अभी मैंने भेजी हूँ अरबी के लिए, और अब मैं आई हूँ किचन में ये जो इडली का बर्तन है वो धोने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको यूज़ नहीं की हूँ मैंने, तो अभी मैं कर रही हूँ। और एक्चुअल में क्या हुआ था ना, मैंने कल लेकर आई थी जो बैटर होता है ना इडली का, वो लेकर आई थी मैंने रेडीमेड, तो सोची थी कि सुबह में इडली बनाऊंगी, लेकिन मुझे लेट हो गया था उठने में, तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे तो मैंने बनाई नहीं। अभी अगर कल बनाऊंगी तो मुझे ऐसा लग रहा है ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं सोची कि अभी जो है ना हम लोग डिनर में ही बना कर खा लेंगे, नहीं तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और इन्होंने दोपहर में आते टाइम में ना वो भी लेकर आए थे नारियल, क्योंकि उनको भी इडली बहुत पसंद है, चाहे वो डिनर में, लंच में या ब्रेकफास्ट में कभी भी, तो वो आराम से खा लेते, तो इसलिए मुझे कोई हेडेक नहीं। और यहाँ पर है ना आज मुझसे ये कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा जल गई है, तो मैं वो सोची कि चलो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और आज दीदी आई नहीं है तो पूरे बर्तन मुझे ही साफ़ करने थे, तो अभी मैंने सारे बर्तन साफ़ कर ली हूँ, बस अभी इतनी कढ़ाई है, तो उसको मैं बताती हूँ उसको किस तरह से अच्छे से क्लीन करते हैं कि वो बिल्कुल नवे जैसी हो जाएगी। तो मैंने क्या की यहाँ पर है ना बर्तन में, इडली के बर्तन में ली हूँ थोड़ा पानी, क्योंकि मैं इडली रखने वाली हूँ बॉयल के लिए, तो उससे पहले उसमें क्या करेंगे हम, जो घर में हमारा पड़ा हुआ सड़ा हुआ जो भी नींबू होता है ना, जो यूज़ में नहीं आता ऐसे ही ख़राब हो जाता है, वो वाला नींबू लेना है, और उसको एक आधा मैंने डाल दिया है इडली के बर्तन में, ताकि वो नीचे से जले ना, और क्योंकि ऐसे ही पानी के साथ उसको रख देंगे तो वो जल जाता है। तो आप चाहे तो नींबू यूज़ करो या तो इमली, तो मेरे पास इमली भी है लेकिन नींबू था तो मैंने डाल दिया, और आधा जो है ना नींबू मैंने कढ़ाई में डाला है, और थोड़ी थोड़ी इमली भी मैंने दोनों में डाल दी, क्योंकि इससे और भी अच्छे जो है ना कढ़ाई साफ़ हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पर मैंने ये रख दिया है गैस पे, और ये पानी गर्म होगा, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, तो वो इसमें डालना है, और थोड़ा सा थोड़ा सा जो खाने का सोडा होता है ना बेकिंग सोडा, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, तो वो मैंने इसमें ऐड किया। और उसके बाद में यहाँ पर बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह जो है ना सर्फ भी ऐड कर सकते हैं। और अभी इसको ना इतनी देर तक जो है ना ढक्कन ढककर पकाना है कि वो अच्छे से जो है ना बॉयल हो जाए। अब ये मैं रख दे रही हूँ उसको बॉयल करने के लिए, और यहाँ पर ये देखिए ये मैंने बैटर जो मैंने रेडीमेड लाया था, तो अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और इसमें नमक भी ऐड करना है, क्योंकि वो लोग बहुत थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करते, तो मैं अभी ऐड करूँगी इसमें नमक और थोड़ा पानी, ताकि वो सही से जो है ना मिक्स हो जाए एक दूसरे में। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जो जो इडली का बर्तन मैंने अच्छे से वॉश करके लिया, उसको मैं सूखे कपड़े से जो है ना अच्छे से पोंछ लूँगी, उसके बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूँगी, और इस तरह से जो है ना एक एक करके जो है मैं उसको रखते जाऊँगी इडली के बैटर में, सॉरी इडली के बर्तन में। तो यहाँ पर अभी मैं उसको रख रही हूँ जो है ना फास्ट गैस पे 5 मिनट में, और उसके बाद में जो है ना उस पर मैं रख दूँगी थोड़ा हैवी वेट, और फिर उसको स्लो गैस पे जो है ना 10 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पर आप देखिए मैंने गैस को कर दिया ऑफ, और ये पानी जो है ना अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो अब मैं इसको लेकर जाऊँगी सिंक के पास। तो उससे पहले यहाँ पर मेरे पास ये था जिसको मैंने हैवी वेट के तौर पर यूज़ किया है, रोटी बेलने का जो हमारा होता है ना पुलपाट बेलन उसको, तो अभी इसको गरम गरम में ही जो है ना अच्छे से वॉश करना है, नहीं तो क्या होगा क्या फिर वो इतने अच्छे से नहीं निकलेंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन हमें उसी तरह उसको ना हल्का हल्का सा जो है ना ताकत लगा के जो है ना वॉश करना है, और उसके बाद में फिर जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उस पर अच्छी सी जो है ना हमारी ताकत लगा कर उसको अच्छे से वॉश करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मुझे मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ रही है, एकदम इजीली माशाल्लाह से वो निकल गया है, बिल्कुल भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप भी इसी तरह से आपके जो भी स्टील के या जर्मन के बर्तन हैं वो ख़राब हो गए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह का जो मेरा ट्रिक है, तो ये बहुत ईजी है। अगर आपका घर में कोई भी सामान मतलब इस तरह से जल गई हो कड़े वगैरह, तो आप इस ट्रिक की मदद से जो है ना उसको अच्छे से वॉश कर सकते हो।
तो अभी यहाँ पर जो है मेरा सारा काम हो गया था, सिर्फ जो है अभी चटनी बनानी बाकी है, क्योंकि इडली भी मैंने बना चुकी हूँ, बस अभी जो है ना चटनी बनानी है। तो मैंने जिसके लिए जो है ना गीला जो खोपरा होता है, नारियल होता है, उसको मंगवाया है, दोपहर में ही ला कर रख दिए थे इन्होंने, क्या मुझे दोपहर में ही बनाना था, लेकिन दोपहर में बहुत सारा जो है ना चिकन की ग्रेवी बच गई थी, तो हम लोग ने वही खा लिया, तो इसलिए फिर मैं अभी ये डिनर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर को मैं चेक कर रही थी कि ये हो गया है कि नहीं, तो माशाल्लाह से इडली मेरी बन गई है। और जो मैंने लिया था नारियल और कोतमीर, और उसमें हरी मिर्ची डालकर उसका एक पेस्ट बनाना है, और उसको लास्ट में जो है ना ज़ीरा राई और कड़ी पत्ते का बस हमें तड़का देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बहुत ईजी होती है जब चटनी, जो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, और सांभर भी जो है ना आप घर में ही बना सकते हैं, लेकिन रात का टाइम था तो हम लोग दाल रात में नहीं खाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, तो मैं रात में जो है ना अवॉइड ही करती हूँ। तो मैंने बस जो है ना इडली बनाया और ये जो है ना नारियल की जो है चटनी बना दी, तो इसी से हम लोग जो है ना इडली खा लेंगे। तो अब उसके बाद में अध्ययन तो इडली खाता नहीं है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ जो डोसा होता है ना, वो तो प्लेन डोसा मैं अध्ययन के लिए बना रही हूँ, तो जितना बैटर बच गया है तो उससे मैं जो है ना डोसा ही बना लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही बारी में जो है ना इडली बनाई है, क्योंकि यही 12 हो जाती है आई थिंक, क्योंकि एक इसमें चार होती है तो वो तीन मेरी प्लेट है, तो 12 आराम से हो जाएंगे, तो यही बहुत हो जाएंगे हम लोग के लिए। और जो बच गया बैटर तो उसका मैं डोसा बना दूंगी, तो वो अध्ययन जो है ना सॉस के साथ बहुत पसंद करता है, उसको ना सांभर दाल चाहिए ना उसको नारियल की चटनी चाहिए, बस वो डोसे के साथ ना बस वो टमाटो की चप यूज़ करता है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए मैं कितनी इजीली निकाल रही हूँ, और माशाल्लाह इडली कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। यही अगर सुबह नाश्ते में बन जाती तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता, और आज सुबह में पता है हमने चाय के साथ ना पराठे खाए थे, ये बैटर होने के बावजूद भी, क्योंकि लेट इतना हो गया था तो क्या करूँ, और इडली को टाइम लगता है, और ये बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो फ्रेंड्स आज मैंने बहुत छोटा सा व्लॉग आज आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा एकदम आराम में बिता, मैंने ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं किया। रात की ग्रेवी हम लोग ने दोपहर में लंच में खा ली है, सुबह में चाय पराठा हो गया था, और अब रात में जो है ये इडली डोसा हम लोग खा रहे। तो यही था, यही शेयर किया मैंने, आई होप कि आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखने के बाद एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।